जो है कैरियर के रूप में हमने पॉलिटिक्स को जो आपका संगठन है क्या युवाओं को इस तरह भी प्रेरित कर सकता है? बिल्कुल, मैं बेसिकली युवाओं की ही बात करके कर रहा हूँ, मैं बुजुर्गों की बात करके क्या करूँ, क्योंकि सारे लोग उनके नेता हैं, पार्टी कोई भी हो, सुरेंद्र सर का भी उम्र ठीक ठाक है 60+, मोहनलाल सर का भी उम्र ठीक ठाक है, सब पूर्व के जितने हैं सब 60-70 के हैं। अभी चुनाव में लोगों के बीच कौन सा मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्या आपके एजेंडे में अगर आप जीते तो ये कार्य आपके मेरा 11 सूत्रीय कार्यक्रम है, मैंने घोषणा पत्र पर जारी कर दिया है, आप एक प्रति ले लेंगे और उसको देखेंगे, ये हमारा घोषणा पत्र है, 11 सूत्रीय कार्यक्रम है दोनों ओर से, और इसमें मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ों को रखा है जो एक जनरल होना चाहिए हो नहीं, तो 11 सूत्रीय कार्यक्रम है, न्यूनतम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतनी समझ में 11 सूत्रीय कार्यक्रम मेरा जो मैं कुछ बारीक से बता दूँ, शिक्षा क्षेत्र है, बैंकिंग वित्तीय मदद है, आय स्रोत है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, कोष्ठी प्रधान समाज के लिए है, लोकसभा क्षेत्र में 5,000 जामुन का पेड़ लगाने का, लोकसभा क्षेत्र में 5,000 सिलाई मशीन देने का कार्यक्रम है, सेवन पर एक उत्तम क्षेत्र में योजना है, ग्राम संवाद हमारा रहेगा, संजय के पोर्टल के माध्यम से काम करेंगे, जो महिलाएं वंचित वर्ग हैं उससे आशा है, रसोईया है, ग्राम रक्षा दल है, इन लोगों को एक उचित मानदंड मिले, मानदेय मिले, इस पर काम किया जाएगा, आंगनबाड़ी सेवी का सारे काम के लिए सुविधा में विशेष उनके बात किया है, 10वीं से 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए भारत दर्शन हमारा नया कंसेप्ट है, जिससे आप दुनिया में घूमते हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसका आपके सोचने समझने के परखने की क्षमता में होती है और एक नई दिशा से आप दुनिया को देखते हैं, और इसी में है इस विद्यालय स्तर के बड़े स्तर के जो नौजवान छात्र संगठन जीतेंगे उनको दिल्ली दर्शन कराया जाए, ताकि उनको यह लगे कि संसद कैसे दर्शन करती है या पालिका कैसे दर्शन करती है, जब युवाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने का मौका देंगे, सीखने का आई आई चंडीगढ़ हमारे गाँव के बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, पैसे का वहाँ पर उसको परसुई करना बहुत दिक्कत हो जाती है, बैंक मदद नहीं करती है, बहुत चक्कर लगाते हैं, तो उनको डायरेक्ट एज ए कैंडिडेट या हम उनको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और फिर और बच्चों के लिए उनके लिए व्हील चेयर जूते पैसा और नेशनल पैराओलंपिक में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने की योजना रहेगी, सबसे बेहतर लास्ट में जो 11 सूत्रीय कार्यक्रम है उसमें है कि जो MP के 5 करोड़ फंड है उस पर एक साल के 5 करोड़ 5 साल के 25 करोड़ उसके विकास के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, लास्ट में एक साल जब आप मानते हैं कि जो अभी तक वर्तमान क्षेत्र में हमारे सांसद रहे हैं उन्होंने विकास कुछ नहीं किया, आप सिर्फ एक कागज पर विकास हुआ है, जब मैं 500 पट्टी जब संपर्क करा था 500 पट्टी में आप बेगुना भर पानी में हमारा ड्राइवर कार लेके जा नहीं रहा था हैदराबाद करने के लिए 500 पट्टी, आप मधेपुर चले जाइए आज भी मधेपुर के क्षेत्र के लोगों को चंदनी के पुल पर जाना पड़ता है, आप लौकी पटन चले जाइए भोपाल से लेकर के नरेंद्रपुर तक सड़क है आज पिछले 30 सालों में एक बार बनते हुए देखा है, ये मरा हुआ सामान पैदा कर दिया हमारे नेता ने, डरा हुआ नेता मरा हुआ सामान पैदा करता है और हमारे यूथ को मरा हुआ बना दिया गया है, युवाओं पर ज़्यादा फोकस करते हैं आगे काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो आपके घोषणा पत्र में जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, गरीब से गरीब किसान मजदूर खेतिहर मजदूर महिलाएँ युवा हर किसी के लिए आपके पास कुछ प्लान है, जैसे वृद्धों के लिए प्रत्येक 3 माह पे एक स्वास्थ्य हेल्थ कैंप लगाया जाएगा, सुदूर गाँव में उन्हें वृद्धों के चश्मा और दवा की सुविधा दी जाएगी, जो वृद्धों के लिए विकलांगों के लिए नौजवान के लिए, आप युवाओं को इस क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ आप बदलिए, विचार करिए, मुझे बुजुर्ग लोग आप लोगों को खेल खेल के ले जा रहे हैं, मैं एक छोटा सा डाटा दे दूँ आपको, प्रत्येक साल हमारे बिहार में 15 लाख नौजवान बोर्ड का एग्जाम देता है, मैं विशुद्ध गाँव से हूँ, 5 लाख नौजवान या जो 15 लाख मैं बता रहा हूँ आगे स्टूडेंट मैट्रिक की पढ़ाई करते करते छोड़ देता है, 5 लाख उसे जोड़ दीजिए 20 लाख हो गया, 2 से 3 लाख CBSE से एग्जाम लिखा है, 20 से 25 लाख नौजवान जो आता है प्रत्येक साल सड़कों पर क्या रखा है, ये BSC मरीज संस्थान कर दिए 5 साल में कंप्लीट कर दिए, BSC का घोटाला हुआ 2014 का वैकेंसी आज तक कंप्लीट नहीं हुई है, नौजवान जाएगा क्या काम है, जब जाकर आप पत्रकार
बता रहा है कि मैं सारा काम छोड़ देता हूँ, आप मुझे 10,000 का मौका मिला भाई साहब। आपके क्षेत्र के नौजवान दिल्ली में, भवाना में, फिरोजाबाद में, फरीदाबाद में, भवन और नोएडा में, मूर्थल में, पानीपत में, लुधियाना में नौकरी के प्रकार करके 6,000-7,000 के लिए कितना खाते होंगे, कितना बचाते होंगे उस पर जाता है। और हमारा नेता हमारे कुछ तरीके जैसे हैं इस बार 2020 के इलेक्शन में, क्योंकि झंझारपुर बहुत डेवलप है। उन्हें एक बार सबको सुझा दी, वो कहते हैं विकास की कोई जरूरत नहीं है भाई, खड़े क्यों हो गीता ज्ञान देने के लिए। अच्छा ये रास्ते बहुत आप सबों का धन्यवाद।